रोहतक पूर्व सब इंस्पेक्टर हुकुमचंद को गोली मारने वाले दो आरोपी हुए गिरफ्तार। बताया जा रहा है कि इन दोनों आरोपियों के खिलाफ कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। पुलिस को सूचना मिली थी कि पूर्व सब इंस्पेक्टर पर गोली चलाने वाले आरोपी रोहतक के सुनारिया गांव के खेतों में बने एक कोठरे में बैठे हैं। पुलिस ने चारों ओर से घेराबंदी करी, लेकिन पुलिस को देखकर आरोपियों ने पुलिस पर फायरिंग करनी शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी फायरिंग की। इस पर आरोपी कोठरे में बनी खिड़की से भागने लगे, लेकिन पुलिस ने कोठरे को चारों ओर से घेर रखा था। पुलिस की जवाबी फायरिंग में पंकज मुख्य आरोपी के पांव में गोली लगी, जबकि मोहित शूटर निवासी चुलाना को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। पुलिस को आरोपियों के कब्जे से दो पिस्तौल, 7 जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं। आप सभी को बता दें कि आरोपियों ने पुलिस पर 3 गोलियां दागी, लेकिन दोनों ही आरोपी पुलिस के गिरफ्त में हैं। पुलिस के अनुसार इन दोनों पर संगीन आपराधिक मामले दर्ज हैं। फिलहाल पुलिस आरोपियों को रिमांड पर लेकर और पूछताछ कर रही है। पुलिस सन्नी तुशीर के साथ मैं शिवानी शर्मा पंजाब केसरी से। ऐसी ताज़ा तरीन खबरों को देखने के लिए हमारे फेसबुक पेज पंजाब केसरी दिल्ली को लाइक करें, और अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।